आप देख रहे हैं रियल न्यूज हरियाणा। हरियाणा व महाराष्ट्र की जनता जिस समय का इंतजार कर रही थी वही समय आज आ चुका है। जनता बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि आचार संहिता कब लगेगी। इंतजार करते करते आज 21 तारीख हो चुकी है और आज आचार संहिता लग चुकी है। हरियाणा और महाराष्ट्र के 24 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। धनतेरस से पहले चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि चुनाव धनतेरस से पहले ही करवा लिए जाएंगे और अब फैसला हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता के हाथ में है कि अब की बार वो किसके सर पर जीत का जो सेहरा है वो बांध कर विधानसभा के अंदर भेजने का कार्य करेगी। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों राज्यों के अंदर आचार संहिता लागू कर दी गई है और यह सबसे कम समय जो वोटों का है वो सिर्फ एक महीना मिला है। सभी पार्टियों ने आचार संहिता लगते ही अपनी कमर कस ली है और प्रचार प्रसार के अंदर पूरी तरह से जुट गई हैं। अब देखना होगा कि जनता अब की बार किसको अपना राज्य सौंपती है और किसके सर पर जीत का सेहरा बांधती है। यह देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी अब की बार सत्ता में आती है। सभी पार्टियां अपना पूरा जोर शोर लगाए हुए हैं और सभी पार्टियों को एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिर्फ एक ही महीना बचा है और एक महीने के अंदर अपने आप को साबित करना होगा और जनता का दिल जीतना होगा। देखते हैं कि कौन सी पार्टी जनता का दिल जीत पाती है उनके लिए। अब देखते हैं कि क्या वो जनता का दिल जीतकर कौन सी पार्टी अब विधानसभा के अंदर जाएगी और कौन सी पार्टी विधानसभा से बाहर खिसक जाएगी और कौन सी पार्टी विपक्ष के अंदर बैठेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि 21 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 24 तारीख को वोटों की गिनती होगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन सी सरकार सत्ता में आती है और हरियाणा की जनता के लिए क्या करती है। तो दोस्तों देखने वाली बात है कि बहुत ही कम समय के अंदर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां करनी है और जनता का दिल जीतना है। तो आप देखते रहिए रियल न्यूज हरियाणा, मैं आपके साथ करण सिंह स्मैन। हरियाणा का सबसे विश्वसनीय चैनल रियल न्यूज हरियाणा।